छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर कहा है कि राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के किसी भी तरह की परेशानी आने नहीं दी जाएगी। वहीं उन्होंने डीपुरंदेश्वरी के कमान संभालने पर भी भाजपा पर तंज कसा है। डीएस रावत जी का जो निधन उनके साथ और जो सैन्य के अधिकारी और जवान जो शहीद हुए हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक और देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस अवसर पर पूरा राष्ट्र शोक संतप्त है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो ग्रुप कैप्टन सिंह साहब जो घायल हैं और उसके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। देखिए, कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इससे स्पष्ट हो जाता है पुरिंदेश्वरी जी जिस प्रकार से कमान संभाली है उनको स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। केंद्र सरकार वैसे लगातार छत्तीसगढ़ के साथ तो भेदभाव कर ही रहा है। जितने भी पहले केंद्रांश और राज्यांश जो कभी 90-10 और 75-25 का रहता था, अब वो 50-50 का या 60-40 का कर दिया गया। उससे काफ़ी भार राज्यों पे पड़ रहा है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ किस प्रकार से एक तो जो सेंट्रल एक्साइज है उसमें हमारे जो हिस्सा है उसको अभी तक नहीं दिया। 3 साल में 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से नाराज हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योग